नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बीस। तो चलिए शुरू करते हो, जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर काम की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। इसी के साथ में यहाँ पर धनतेरस पर बाजार रेट से कम कीमत में मिलेगा सोना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर सोने और चांदी को लेकर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर हमेशा सोने और चांदी के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार धनतेरस पर बाजार रेट से कम कीमत में मिलेगा आपको सोना। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इसके साथ ही में कुछ और बड़ी खबरें भी है जिसे भी जान लेते हैं। चलिए तो बात करें आज की हमारी पहली बड़ी खबर के बारे में। तो यहाँ पर पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर तक की गई। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने शनिवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 को कर दी है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तक ही थी। वहीं आपको बता दें कि यदि समय सीमा के अंदर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हो तो पैन कार्ड आपका इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर आपके पास है आधार कार्ड तो महीने में बुक कर सकते हो 10 से ज्यादा ट्रेन टिकट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ट्रेन में सबसे ज्यादा सफर करते हो तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप महीने में एक यूजर आईडी से 12 ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो। दरअसल भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी यानी कि IRCTC ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन करने पर 12 टिकट बुक कराने की सुविधा देती है। वहीं आपको बता दें कि ट्रेन टिकट की बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन बिना आधार कार्ड के आप महीने में सिर्फ 6 टिकट ही बुक कर सकते हो। चलिए तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की ओर। तो यहाँ पर प्याज पर सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, देश में प्याज के बढ़ते दाम जनता को रुलाने पे उतारू हो गई है। प्याज के दाम में आए दिन इजाफा हो रहा है। प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगने की कोशिशों में लगी हुई सरकार ने निर्यातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का फैसला किया है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्याज के संकट को देखते हुए सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं आपको बता दें कि प्याज लगातार आम आदमी की खरीद क्षमता को दूर होती नजर आ रही है। सरकार की ओर से लगातार जनता को राहत पहुंचाने के कदम उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि शनिवार से शहर में मोबाइल वैन व राशन की दुकान के जरिए प्याज की बिक्री 23.90 रुपए किलो की दर पर की जाएगी। चलिए तो अगली बड़ी खबर के धनतेरस पर बाजार रेट से सस्ते में मिलेगा सोना, बस करना होगा यह काम। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से उठा पटक चल रही है। आज से नवरात्र भी शुरू हो रही है और आगे दशहरे और दिवाली का त्योहार भी आ रहा है। पितृपक्ष के दौरान सोने की कीमत में गिरावट देखी गई है, लेकिन आने वाले फेस्टिव सीजन में हर बार की तरह इस बार भी सोने में तेजी आने की संभावना है। अगर आप भी इस समय सोने में निवेश करना चाहते हो तो यह बहुत ही अच्छा समय है। जानकारों की माने तो कई ग्राहकों ने सोना सस्ता होने पर उसकी बुकिंग करा ली है और वे धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर इसकी डिलीवरी लेंगे। और ऐसे में आप भी अगर सोने की बुकिंग अभी तक कराते हो तो धनतेरस पर सस्ते में सोने की डिलीवरी हो जाएगी। वही जानकारों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती और अगले महीने चीन में लंबा अवकाश होने के कारण मुनाफा वसूली बढ़ने से सोने और चांदी में गिरावट आई है। हालांकि कमोडिटी बाजार विशेषज्ञ बताते हैं कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले सोने और चांदी में गिरावट आने से खरीदारी जोर पकड़ेगी। चलिए तो बात करें आज के हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न की। तो आज का हमारा प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके देना है और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर भी करना है। उसी के साथ में आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।